नमस्कार साथियों मैं कनेश शर्मा एक बार फिर आपका जनता की आवाज़ में स्वागत करता हूं और जैसे कि आप सभी के सवालों की सीरीज़ में जारी रखता हूं संतों के दर्शन करवा रहा हूं लेकिन पिछली बार मैं एक बार साबर मंत्र का लेके आया था लेकिन उसमें साबर मंत्र की संपूर्ण जानकारी थी लेकिन साबर मंत्र नहीं था लेकिन इस वीडियो में आज आपको साबर मंत्र के पूरी जानकारी लेके आया हूँ तो पिछला वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन है वहाँ पर एक बार आप ज़रूर देख लेना ध्यान रखना कि पूरा ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पर एक बार जरूर देख लेना और व्हाट्सअप मैसेज भेजोगे तो आपकी कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो अब इस साबर मंत्र को बताने से पहले साबर मंत्र की तरफ बढ़ने से पहले एक मेरी तरफ से निवेदन है साबर मंत्र का उपयोग करने से पहले आप ये चीज़ समझ लेना आपको साबर मंत्र कई प्रकार के होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं वसीकरण के लिए होते हैं बहुत हर विद्या के लिए साबर मंत्र बनाए हर चीज़ आवश्यकता के विवाह के लिए साबर मंत्र है हर कोई भी चीज लेंगे उसका साबर मंत्र है और साबर मंत्र का महादेव के डमरू से ध्वनि निकली हुई है महादेव के डमरू से बना हुआ है साबर मंत्र तो ये थोड़ा बोलने में अटपटा होता है इसमें कस्मे वाद्य वो ऐसा प्रकार का होता है तो मैं आप बताऊंगा लेकिन ये ध्यान रखना साबर मंत्र का प्रयोग करना से पहले दो बातों का ध्यान रखना एक तो साबर मंत्र बोलने में थोड़ा सा आपको साबर मंत्र बोलने में थोड़ा सा अटपटा होने की वजह से जीव में कहीं गलत बोलने से उसका दुष्परिणाम ज़्यादा होता है उल्टा बोलते ही दुष्परिणाम ज़्यादा होगा तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है दूसरा साबर मंत्र को कहीं लिखना मत इस वीडियो को वापस दो बार देख लेना कभी भी साबर मंत्र को लिख के पढ़ा नहीं जाता ये बस सुनना होता है सीधा उन्हीं के मुखारबिन से सीधा ध्यान रखना और प्रयोग करने से पहले ये समझ लेना इसका गलत बोलने से दुष्परिणाम ज़्यादा होते हैं और ये पूरा का पूरा इस वीडियो का श्रेय देवरा ज्ञान देवरा बाबा जी के आश्रम के बड़ी सरकार का है जी जी ये पहले बता देता हूँ मेरा इसमें कोई भी श्रेय नहीं जाता क्योंकि उनको मैंने बोला बार बार तब उन्होंने मुझे ये दिया साबर मंत्र तो मैं आपके तक लेके आया तो मंत्र के आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूँ मंत्र थोड़ा सा कस्मे वादे वाला है यानी उसमें अब कसमें दी जाती है तो आप सोचो किसी भगवान को कसम दिला के काम करना क्या सही है उचित है वो भी देख लेना अब बढ़ते हैं साबर मंत्र की तरफ और इस वीडियो का मैंने पहले भी बता दिया हूँ एक बार और बताता हूँ पूरा श्रेय देवरा ज्ञान को ही जाता है ये ध्यान रखना देवरा बाबा जी को ये बड़ी सरकार को ही जाता है वहाँ पर तो लक्ष्मी मंत्र बहुत ही सुंदर है ये लेकिन लिखना नहीं है ये ध्यान रखिएगा लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ चेतो करो भलाई मेरी भलाई ना करो तो सात समुंदर की दुहाई नौ नाथ चौरासी सिद्धों की दुहाई दुहाई और इसका जब का विधान क्या है आपको बता देते हैं अब मैं आपको सावर लक्ष्मी मंत्र के जप करने का और माला का विधान बताऊंगा। लक्ष्मी माता के इस सावर मंत्र को जाप करने के लिए कांस का माला हो स्फटिक का माला हो या मुंगे का माला होना चाहिए इसका विधान ये है कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में जब आपको समय मिले सफ़ेद बर्फी लक्ष्मी जी के नाम से भोग रखा जाता है घी का दिया जलाया जाता है और सामने बैठ कर के पाँच माला चालीस दिन तक जाप करना होता है चालीस दिन के जाप में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और असर दिखाना शुरू कर देता है अगर आपको लंबे समय तक मंत्र का असर चाहिए तो आपको इसे नित्य प्रति एक माला जप करना चाहिए किस मंत्र का जाप किसको किसको करना चाहिए जैसे धन की वृद्धि नहीं हो रही है घर में धन नहीं रुकता है या कर्जा हो गया है या कोई संपत्ति आनी है और रुकी हुई है या चाह के भी नौकरी चाकरी इसमें छोटी छोटी बाधाएं आती रहती रुकावट बनती रहती हैं ऐसे कार्यों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं और अत्यंत लाभ देती हैं हमारी लक्ष्मी आप लोग भी लाभ लीजिए राधे राधे साथियों जैसे कि इस मंत्र को आपने सुना था अब मैं आपको बता देता हूँ इस मंत्र में अगर आपका कोई फायदा या हानि हो तो मैं और मेरा चैनल किसी भी इस जिम्मेदारी नहीं लेता पूरा अगर इसका फायदा या नुकसान होता है श्रेय देवरा ज्ञान चैनल को जाता है देवरा बाबा जी के आश्रम को जाता है बड़ी सरकार को पहली बात अब इसका किसी भी मंत्र का उच्चारण गलत होता है तो उसका दुष्परिणाम पड़ता है इसके लिए मैं विशेष सीरीज नेक्स्ट टाइम लेके आने वाला हूँ कि मंत्र का उच्चारण किस प्रकार गलत होता है किस प्रकार सही होता है क्योंकि जहाँ तक कोशिश हो किसी भी मंत्र हो जरूरी नहीं इस साबर का कोई भी मंत्र अगर हम गलत बोल देते हैं जिसका नाम पड़ गया है मंत्र जैसे नाम जब को तो कोई भी किस बोल सकता है चाहे जैसे मरा 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 लगता है, मंत्र के तो, उसका ध्यान रखना है। तो इस सभी ध्यान रखना और ये साबर मंत्र हुआ या जो कोई वशीकरण करने वाला या किसी को कसम सौगन दिलाने वाला हुआ वो तामसिक में आता है ये ध्यान रखना और तामसिक का फल भला एक बार जल्दी हो जाए अंत बुरा यह सत्य है अंत बुरा किस प्रकार आप किसी भी तामसिक के नजदीक जाके देखिए उसका अंत क्या हुआ मैं कहना नहीं चाहता हूं बड़े बड़े ऐसे थे कि उनके चिटुली पर पूरा राज्य हिल जाता था एक राज्य रियल में आप मैं नाम नहीं ले रहा हूं एक राज्य पूरा हिल जाता था तो वो सोचिए आज उस राज्य का एक बच्चा भी उनसे नहीं मिल सकता है उनकी विद्या किस काम आई तो इसी प्रकार तामसिक विद्या का प्रयोग ना करें अगर फिर भी करना चाहते हो अपने हृदय में ध्यान यह आपको हानि फायदे से ज्यादा हानि पहुंचाती है जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि मेंटल हो हो जाता जाता है है पागल है, कुछ देख नहीं पाता और ये मेरे थे मैंने बताना था अगर आपको बुरा लगे तो मुझे मेरे शब्द वापस दे देना और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातम हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जय श्री राधे हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं